अस्सलाम वालेकुम। आज हम टर्नरी ऑपरेटर्स पे बात करने जा रहे हैं और हमने ऑपरेटर्स स्टार्ट किए थे, तो इससे पहले हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स वो सब देखे हैं। आज हम टर्नरी ऑपरेटर्स देख रहे हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर्स में क्या है कि सिंपल आपके पास या कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर में आप ये इसको अगर आप डिफाइन करेंगे या आप अगर डिफाइन करना चाहें तो आप इसे कहेंगे कि जी इफ एल्स स्टेटमेंट की एक शॉर्ट हैंड फॉर्म है। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर्स और द शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट को अगर शॉर्टली लिखना चाहें तो हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, पहली बात हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे। और दूसरी बात, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकता है कि टर्नरी ऑपरेटर्स ठीक है और इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस है कि इफ एल्स में आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप मैक्सिमम आप दो स्टेटमेंट्स ही आप जो है वो डिफाइन करेंगे और वही आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स इसमें आप काम आएंगी, आपके सिर्फ दो स्टेटमेंट्स, आप दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स पे आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, आप दो एक्सप्रेशन ही आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अब ये देखें, आप यहाँ पे 17 लाइन पे आप आ जाएं। ठीक है, चलें, इससे पहले मैंने क्या क्या 15 लाइन में मैंने मार्क्स एक के नाम से एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया है और इसको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दिया है। ठीक है, जो आपके सामने भी 34 है। ठीक है, मार्क्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया है और एक वेरिएबल मैंने बी के नाम से, वैर के नाम से मैंने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, अब ये थर्ड आपके पास जो 17 लाइन में है, ये आपके पास एक कंडीशनल टर्नरी या टर्नरी ऑपरेटर्स है। ठीक है, ये कंडीशनल टर्नरी स्टेटमेंट है। इसमें क्या है, इसमें आप एक सबसे पहले आप एक कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, ये देखें, आप कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हुए, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को मैंने यूज किया है, मैंने एक कंडीशन बनाई है। आप कंडीशन कोई भी हो सकती है। ठीक है, आपके पास जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर आप सबसे पहले एक कंडीशन लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, उस फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा। तीसरी बात, आप उसके आगे फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे और फर्स्ट एक्सप्रेशन वो होगा जो कि इस जो एक्सप्रेशन के, जो इस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होगा। ये बात आपने याद रखनी है, आपने फॉल्स वाला एक्सप्रेशन यहां पे नहीं देना, फॉल्स वाला आप सबसे लास्ट पे देंगे। ठीक है, इस तरह आप याद रख लें इसको, जो फॉल्स वाला एक्सप्रेशन है। ठीक है, इफ एल्स का जो पार्ट होगा वो आप क्या करेंगे, वो आप सबसे लास्ट पे देंगे। सो शॉर्टली इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं। सबसे पहले एक कंडीशन बनेंगी, आप कंडीशन लिखेंगे, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर आप फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, जो कि ट्रू होने पे आपके पास एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और फिर लास्ट पे जो अगर एल्स का पार्ट है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इफ एल्स का ये शॉर्ट एंड है, तो जो अगर ये स्टेटमेंट, अगर ये आपके पास कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये आपके पास एग्जीक्यूट होगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि हुआ क्या है। देखें, अब मैंने क्या किया, मार्क्स के लिहाज से एक मैंने स्टेटमेंट, एक मैंने कंडीशन बना दी है। ठीक है, जिसको मैंने 30 less than 33 कह दिया है। अगर मार्क्स 33 से कम होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास फेल फेल प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, और अगर मार्क्स 33 से ज्यादा होंगे तो फिर क्या होगा, पास कंसिडर होना चाहिए। अभी आप राइट साइड पे देख रहे हैं, आपको पास प्रिंट होता नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या है कि मार्क्स यहाँ पे 34 मैंने कहा है। ठीक है, अब अगर मैं 33 कह दूंगा तो भी ये आपके पास क्या है, पास है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा है, मैंने यहाँ पे कहा है आपके पास, मैंने यहाँ पे कहा है कि less than 33 होंगे तो। ठीक है, अगर मैं यहां पे इक्वल करूंगा, ठीक है, तो फिर क्या आएगा। ठीक है, अब अगर ये देखें, अब मैं कह रहा हूं कि अगर मार्क्स 33 हो या उससे लेस हो या 33 की इक्वल हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए, फेल। तो अब मार्क्स क्योंकि 33 की इक्वल है, अब ये देखें, ये कंडीशन जो है ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, तो ट्रू होने पे कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, फर्स्ट वाली। होपफुली आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे आसानी से। ठीक है, ये अब ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन यहां पे ट्रू हो रही है। ठीक है, मार्क्स क्योंकि 33 है, ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ,
ये भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। अब अगर मैं 32 करूँगा तो भी आपके पास फेल ही आएगा, फेल आएगा, क्योंकि आपके पास जो मैंने कहा है कि जो आपके पास है जो स्टेटमेंट है वो लेस देन हो, अगर मैं इसको ग्रेटर देन कर दूँ ठीक है, तो फिर ही आपके पास यहाँ पे पास आ जाएगा, यहाँ पे पास आ जाएगा, क्योंकि अब जो कंडीशन है, अब इसका फॉल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि मैंने कंडीशन कहा है कि ग्रेटर देन या इक्वल टू 33 मार्क्स हो तो आपके पास पास प्रिंट होना चाहिए, और मार्क्स आपके पास लेस देन 32 है ठीक है। लॉजिकली तो ये ठीक नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये इस तरह का एक्सप्रेशन बनाया है ठीक है। आप कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके आप कोई भी कंडीशन अपनी मर्जी की बना सकते हैं ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे मैं दोबारा आप यहाँ पे अगर करूँगा 34, तो ये फेल कह देगा, ये फेल कह देगा, क्योंकि इस कंडीशन को ये अब मीट नहीं कर रहा है। अब ये कंडीशन, इसके ये दोनों कंडीशंस आपस में मैच नहीं कर रही ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ कि मार्क्स अगर 33 से ज़्यादा इक्वल हैं तो आपके पास फेल प्रिंट होना चाहिए ठीक है, तो ये ठीक है, मार्क्स 34 से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे क्या आपके सामने प्रिंट हो रहा है, फेल प्रिंट हो रहा है राइट साइड पे ठीक है। तो ये आपके पास है बेसिकली, आप इसको इफ एल्स स्टेटमेंट का शॉर्ट हैंड कह सकते हैं, और इसमें तीन पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं ठीक है, ये बात है। अब अगर मैं मतलब स्टेटमेंट को आप अगर मैं इस तरह कर दूं लेस देन 33 ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, पास ठीक है, क्योंकि अब ये मार्क्स तो आपके पास ये दोनों आपके पास मैच नहीं कर रहे। अगर मैं कह रहा हूँ कि लेस देन 33 होगा तो फेल होना चाहिए, लेकिन मार्क्स तो 34 हैं ठीक है। तो होपफुली अब आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको मैं कमेंट करता हूँ, इस बी को, यहाँ पे मैंने इसको जो प्रिंट करवाया है ठीक है, यहाँ से गायब हो चुका है। अब नीचे आ जाएं ठीक है, यहाँ पे एक और मैंने वेरिएबल सी लिया है, और इसको मैंने और डी वेरिएबल लिया है, सी को मैंने वैल्यू असाइन कर दिया 101, आप कोई भी कर सकते हैं ठीक है, जीरो कर सकते हैं, और डी को फिर मैंने यहाँ पे कि आप इस तरह भी स्टेटमेंट करवा सकते हैं, डी को आप ये इस तरह वैल्यू असाइन कर सकते हैं, वैल्यू इज, यहाँ पे आप कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसको आप कॉनकटिनेट कर सकते हैं ठीक है। ये मैं इसको कॉनकटिनेट कर रहा हूँ, मैं इसको जोड़ रहा हूँ ठीक है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्ट्रिंग ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा, उसमें ये कॉनकटिनेशन वाला मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा ठीक है, इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, और फिर मैंने कंडीशन दे दी है ठीक है, सी इज ग्रेटर देन 100, और यहाँ पे क्या है, अब अगर मैं इसको ठीक है, अब अगर ट्रू और फॉल्स, अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाता हूँ डी को ठीक है, डी को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, और वैल्यू इज फॉल्स ठीक है, वैल्यू इज फॉल्स, इसका क्या मतलब है कि सी आपके पास ग्रेटर देन 100 होगा ठीक है, ग्रेटर देन 100 होगा तो ट्रू फॉल्स, तो ट्रू प्रिंट होना चाहिए ठीक है। अब आप यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अगर ये देखिएगा 101 है, अब ट्रू आ जाएगा, अब देखिएगा यहाँ पे ट्रू आ गया है, क्योंकि ये कंडीशन अब यहाँ पे ये फुलफिल हो रही है ठीक है, तो उसने ट्रू प्रेजेंट ट्रू जो है वो प्रिंट कर दिया है ठीक है। अगर मैं इसको 99 करूँगा सपोज, तो फिर ये आपके पास फॉल्स आ जाएगा ठीक है। तो इस तरह से कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर जो है वो काम करता है। अगर आपको ये था आज का लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और इस तरह मुझे मोटिवेशन मिलती है, और इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रिंग ऑपरेटर्स और जो है बिट वाइज ऑपरेटर्स पे बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।